हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरु जी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो न्यू क्वेश्चन बैंक आया है, नया जो एडिशनल पेपर सैंपल पेपर आया है उसके डिटेल एनालिसिस की कि कैसा ये पेपर बनाया है और अगर इस लेवल का पेपर होता है तो हमारे साथ क्या हो सकता है बच्चों के साथ, और ये कैसा पेपर रहा, क्या फाइनल में ऐसा एग्जाम आ सकता है और अगर आ भी सकता है तो हमें उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सबको पता है कि चैनल पे ऑलरेडी आप लोगों को वन शॉट करवा दिए हैं चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के करवा दिए हैं, एमसीक्यू हर एक चैप्टर के करवा दिए हैं और बढ़िया वाले नोट्स, डिटेल्ड शॉर्ट नोट्स, चीट नोट्स, फॉर्मूला शीट सब कुछ प्रोवाइड करवा दी गई है, आप जुट गए होंगे, ठीक है ना। और प्रिपरेशन का लेवल सही है केमिस्ट्री के लिए। देखो बेटा, आप लोग तो चलो अभी आए हो ट्वेल्थ क्लास में, मुझे 10-11 साल हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए और पिछले 15-20 साल के जब सैंपल पे प्रीवियस ईयर को हम लोग करवाते हैं तो इस साल जो सैंपल पेपर आया ना उसमें ऐसे क्वेश्चन थे जो उनमें भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। मतलब कुछ क्वेश्चन के लिए जब हम नेट पे सर्च करते हैं वहां पर भी नहीं मिलता है। मैं एक सत्य बात कह रहा हूँ। सीबीएसई ने बोला था कि हम लोग कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, है ना, कि नए वाले केस स्टडी टाइप से, और वैसा ही कुछ उन्होंने मजाक किया भी है। मतलब अगर मैं आपको एक बार सैंपल पेपर दिखाना चाहूँ सीबीएसई का, इसके दर्शन कर लो, देख लो एक बार, बहुत ज़्यादा पिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा पिक्स हैं। ये देख लो, ऐसे ऐसे डाटा है, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं, फिर ये वाला, अब ये वाला है नहीं, पूरे एनसीईआरटी में ऐसा कुछ है ही नहीं कहीं, ठीक है। फिर आगे देखो, ये वाला कहीं नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, कई सारी बातें ऐसी हैं जो आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलने नहीं वाली है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं बिना किसी लाग लपेट के तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पेपर इजी आता है, इजी टू मॉडरेट आता है, बट ये जो पेपर था जो सीबीएसई ने कल परसों रिलीज किया है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ था। और फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की जो दूसरे सब्जेक्ट के टीचर हैं, उन सब ने भी यही बोला कि बोर्ड के लेवल के हिसाब से ये पेपर, इवन जो उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हैं, चाहे मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, बायो वाले से तो किससे नहीं बात हुई, झूठ नहीं बोलूंगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं इतना, मतलब जैसा बोर्ड का लेवल होता है वैसा पेपर नहीं है। चलो बोर्ड से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो वो भी नहीं है, पेपर थोड़ा सा हार्ड की तरफ जा रहा है। अब हमें प्रिपरेशन की अपनी जो स्ट्रेटजी है, देखिए 20 दिन है, कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, दिन रात एक करने की जरूरत है, बस हमें पढ़ने की जरूरत है कि सीबीएसई कहना क्या चाहता है। सीबीएसई ये कहना चाहते हैं कि इतना प्रेडिक्ट भी हमें मत करो, थोड़ा मुश्किल पेपर आ सकता है और थोड़े मुश्किल के लिए जाना है हम लोगों ने, थोड़े हार्ड हार्ड क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। एंड सच बात यही है कि ऐसा पेपर अगर आया तो दिक्कत हो जाएगी, अच्छा दिक्कत हो जाएगी पेपर को सॉल्व करने में। ऐसा कई बार होता है, मतलब सीबीएसई में भी जब पेपर देने जाते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बुक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनकी ग्रेस मिल जाती है, सीधे सीधे ग्रेस मिल जाती है और वो सबको ग्रेस मिल जाती है, ऐसा होता है। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत सिंपल थे, नहीं बहुत सिंपल छोड़ो, वो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं थे, कॉम्प्लिकेटेड के भी हाई कॉम्प्लेक्स में थे। चलो एक बार देख लेते हैं यार कि था क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से थी। 35 क्वेश्चन थे सेक्शन ए में, 18 मल्टीपल चॉइस थे जिसमें से 4 सेशन रीजन थे, सेक्शन बी में आपके 7 वेरी शॉर्ट आंसर थे, सेक्शन सी में आपके 5 शॉर्ट आंसर थे, सेक्शन डी में आपके 2 लॉन्ग आंसर थे जिसको हम केस स्टडी कह सकते हैं, और अब की बार तो केस स्टडी भी बिल्कुल नई तरह की आई हुई थी, और जो सेक्शन 3 है उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके आए हुए थे, ठीक है। और लॉन्ग आंसर में जनरली क्या होता है, चॉइस होती है, बट अब की बार नहीं, और लॉन्ग आंसर जनरली जिस चैप्टर से आते हैं वहां से नहीं है, और में जनरली सेम चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि और में दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन कर रखे हो, बट ये भाई साहब इन्होंने और चैप्टर्स के क्वेश्चन कर रखे थे। चलो एक बार देखते हैं, ये हो चुका है, अच्छा टेंशन लेने से नहीं प्रिपरेशन करने से होगा। प्रिपरेशन किस तरह से होगी मैं भी आपको बता देता हूँ। अच्छा मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करो। अच्छा ये कुछ हमारा पूरे का पूरा एनालिसिस है, और टेंशन मत लीजिए, आज या कल मैं इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको करवा दूंगा, हर एक बात करेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको सेक्शन वाइज भी पूरा एनालिसिस करके दिया है किस तरह से इसके लिए जाना है। और एक बात कि लास्ट 20 डेज के लिए हम लोगों ने डायमंड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें 45 से 60 मिनट की क्लास होती है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ऑलरेडी मैं 5-6 क्लास ले चुका हूं और मैं गारंटीड आपको बोल रहा हूं कि हर क्लास में से आपके 2 या 3 नंबर पक्के होते हैं, तो मान के चलो ये 20 से 25 अगर हमारी क्लास हो जाती है, हर दिन आप 2 या 3 नंबर पक्के कर रहे हो, तो बेटा जी आपके फाइनल एग्जाम तक 50 से 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आप देखना उन क्लासेज में आके देखना कि हर क्लास में से आप गारंटी जो बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन हमारे प्री बोर्ड में भी आया हुआ था, प्री बोर्ड 1 में भी, प्री बोर्ड 2 में भी,
इस तरह से हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को उठा रहे हैं। ये क्लासेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप पर हो रही है बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। सर यूट्यूब पे करवाओ, यूट्यूब पे बहुत कुछ ऑलरेडी करवा दिया और बहुत कुछ आगे भी करवाया जाएगा, डोंट वरी। मतलब मैं तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मैं कसम खा के बोल रहा हूँ। कभी भी नहीं सोचा कि बच्चों का साथ छोड़ दिया जाए, ठीक है। दिन रात मेहनत की जा रही है और जब एडिशनल पेपर आया तो मुझे लगा कि हमें और लेवल बढ़ाने की जरूरत है। हर साल क्या होता है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। इस साल और लेवल बढ़ाने की जरूरत है तो और मुश्किल सैंपल पेपर की सीरीज मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट कर दूं। और सिर्फ एक, मैं हमेशा बोलता हूं कि सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करो तो आप बुक बाय करने जाओगे। एक सैंपल पेपर ऑन एन एवरेज में मान के चलता हूं 150 का है, तो तीन सैंपल पेपर पीसीएम के पीसीबीआई के आपके बनते हैं 450 के। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप सारे के सारे सैंपल पेपर इन जस्ट 341 रुपीज मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, आपको हर एक सब्जेक्ट के 10-10 सैंपल पेपर डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे और मतलब आप पर्सनली मुझसे पढ़ पाओगे कि हाँ चलो भारत सर कुछ भी डाउट आएगा आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर पाओगे कि सर यहां पर प्रॉब्लम आ रही है बताइए, ठीक है। तो 30 सैंपल पेपर होने वाले हैं, 10 इस सब्जेक्ट के डिटेल में डिस्कशन होगा और जो फीस है इनकी 379 है बेटा जी। और ये कोई फोर्स नहीं है, आपका दिल मानता है तो आप भरोसा कर सकते हो और दिल नहीं मानता तो कोई दिक्कत नहीं, आप YouTube से पढ़ाई करो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा 341 कुछ भी नहीं होता है, 341 अरे 250 में तो आप एक बुक लेके आ रहे हो, एक सैंपल पेपर की बुक, और यहां पे आपको 10 सैंपल पेपर की पीडीएफ के अलावा उनको डिटेल में डिस्कस करवाया जा रहा है। मैंने दुनिया में देखा, दुनिया गैस पेपर दे रही है और वो सिर्फ पीडीएफ है। भैया पीडीएफ के नोट्स तो हमने सारे बच्चों को फ्री में दे रखे हैं, पीडीएफ तो आप लोगों को फ्री में मिल भी जाएगी और यहां पे डिस्कशन नहीं होगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन कैसे बना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे आप पीसीएम के स्टूडेंट हो चाहे आप पीसीबी के स्टूडेंट हो। 379 जो फीस है वो कम हो जाएगी जब आप कोड यूज करते हो बीपी लाइव, आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे सैंपल पेपर के एनालिसिस पे। देखो बेटा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से आपका सेक्शन ए में एक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था। आई डोंट नो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इनका बड़ा प्यार हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इनके तीन क्वेश्चन थे, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक से दो क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दो, और हैलोजन के हैलोजन को तो मतलब बहुत ही बेइज्जत सा कर दिया गया, इसे क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेशन इसलिए चलते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक के कंसेप्ट सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत इधर जाए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बट हाँ जब मैंने देखा है तो हैलोजन के हैलोजन से सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी दो नंबर वाला, ठीक है। मतलब बेटा जी अब कुछ कंसेप्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसमें भी लगते हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी, हैलोजन हैलोजन में भी, एल्डिहाइड कीटोन्स में भी, अमाइन्स में भी, तो मतलब वो मुझे ज्यादा जिस चैप्टर का लगा मैंने उस चैप्टर में उसको प्लेस कर दिया है। जैसे एक क्वेश्चन था जो इससे भी लग रहा था, अल्कोहल फिनोल ईथर से भी लग रहा था, अमाइन से भी लग रहा था, तो मैंने उसको अमाइन्स में डाल दिया। अमाइन से चार क्वेश्चन थे और चार क्वेश्चन में से बेटा जी एक असर्शन रीजन था। एल्डिहाइड कीटोन से दो क्वेश्चन थे, एक असर्शन रीजन था और दोनों असर्शन रीजन थे, और इसमें से अल्कोहल फिनोल ईथर में से दो क्वेश्चन थे, एक असर्शन रीजन था, बायोमोलिक्यूल में से एक क्वेश्चन। अब बायोमोलिक्यूल जो है 7 नंबर का चैप्टर, बट ओवरऑल इसकी वेटेज 9 नंबर की बनी है पेपर में। बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछा गया है, दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो दो दो नंबर के हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर जो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब फाइनल पेपर ऐसा नहीं होगा, मैं आपको ये बात गारंटेड बोल रहा हूं, मतलब इतना हार्ड पेपर नहीं बना आज तक, नहीं बना। मैंने इसके बाद कई टीचर से बात की जिनसे हमने पढ़ाई की है, जो ऑलरेडी ठीक है भाई सही है, मैंने पूछा कि सर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हाँ ये हार्ड है। बट बेटा मैं आपको ये बोलूंगा कि हार्ड से डरने का नहीं है, प्रिपरेशन करनी है इसके लेवल के अकॉर्डिंग। देखो आपकी सही प्रिपरेशन तो चली रही है ना, आप सबने वन शॉट तो कर ही लिए हैं, आप लोग डेली PYQ भी कर ही रहे हो, इंपॉर्टेंट के NCERT भी कर रहे हो, तो थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं ना कि डेली अगर एक घंटा आपको सैंपल पेपर को देना पड़ जाए क्या दिक्कत है, सैंपल पेपर लगा लेते हैं हर एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सैंपल पेपर 10-10 लगा लेते हैं। बाकी सब तो आपको 5-6 सैंपल पेपर को बोलते हैं, यहां पर आपको 10 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करवा देंगे, क्या जा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सेक्शन बी का एक क्वेश्चन था और सेक्शन ई में देखिए जो सेक्शन ई होता है, और मुझे पर्सनली लगता है कि जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें चॉइस होनी चाहिए, चॉइस उसमें होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चॉइस थी, डी एंड एफ ब्लॉक में चॉइस नहीं थी, ठीक है ना। और एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में से नहीं था चैप्टर, ये क्वेश्चन जो था आपका अल्कोहल फिनोल ईथर में से था, जबकि माना जाता है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन से बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30th बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 30th दिखाता हूं आपको, सो दैट कि आप रिलेट कर पाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30th।
अ मिक्सचर ऑफ 0.5 मोल्स एसिटाल्डिहाइड 0.5 मोल्स डाइथाइल्ट्रोनी एनसीईआरटी में कहीं ऐसी लाइंस आपको देखने को नहीं मिलने वाली है भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोल्स मिला रहे हैं ये लोग, चलो कोई बात नहीं। NaCN है, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई गई है, एल्डिहाइड कीटोन, ये कहां से बन गया, कहां से बन गया ये एल्डिहाइड कीटोन्स वाले से। अब अगला चैप्टर देख लो, फिनोल ज्यादा एसिडिक है, इथेनॉल ज्यादा एसिडिक है, सोडियम रिएक्ट करवाया गया है इथेनॉल फिनोल। अब ये क्वेश्चन जो है एल्डिहाइड कीटोन से है, और इसका और वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से दे रहे हैं भाई, ये इसके और वाला चैप्टर दे रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर से, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात थी। उसके बाद केस स्टडी भी इन्होंने बिल्कुल नए तरीके से की, केस स्टडी लॉन्च की, अगर आप देखोगे एक डीएनए का डायग्राम बना दिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, चलो सॉल्यूशन चैप्टर में से बिल्कुल थोड़ा सा डाटा दिया और उससे क्वेश्चन बना दिए हैं, चलो ठीक है ना। तो बेटा जी अपने प्रिपरेशन के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा हमें, पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, बेसिक के बिना तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए आपकी डायमंड क्वेश्चन सीरीज चल रही है, डेली 45-50 मिनट की एक क्लास ली जाती है, डेली हर एक 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 कंसेप्ट मैं करवा रहा हूं कि हाँ भाई इसकी वेटेज सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया सीबीएसई के द्वारा। और क्योंकि सीबीएसई ने सैंपल पेपर मुश्किल दे दिया है, सैंपल पेपर देख के बच्चों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि हमें सैंपल पेपर करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आप जो मर्जी मार्केट से बाय करो, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर आप हम पे भी ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ चलो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सैंपल पेपर करवा देंगे, बढ़िया टीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के करा देंगे और पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी। चलो अब सेक्शन वाइज ये रहा, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल जो कि है भारत पंचाल सर के नाम से, भारत पंचाल सर के नाम से है ठीक है। और हमें अभी थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें डाटा कम दे रखा हो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो तो कर ही रहे हैं, बट थोड़े थोड़े में क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी के छिपी हुई लाइन से भी क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने। स्टार्ट करते हैं, जोश हाई रखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, हाई सर ऐसे पेपर आ गए तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, सीबीएसई बस ये बताना चाह रहा है कि अगर आप बहुत ईजी मान के चल रहे हो वो मत मानो, प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाओ, टेंशन लेने से रिजल्ट नहीं आएगा, पढ़ने से रिजल्ट आएगा, हमें दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब बहुत सारे बच्चों का रहता है सर यूट्यूब पे ले लो, वहां ले लो, बेटा आपको क्या ही प्रॉब्लम है, आपको अभी आई थिंक पढ़ाई से होना चाहिए। हाँ आप लोग जब मेरी स्पेशल क्लासेस होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है उसमें 5 मिनट स्टार्टिंग के स्किप कर सकते हो कि नहीं यार हमने प्रमोशन नहीं सुनना, पढ़ाई करो। वो कहते हैं ना आमिर खान का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, ज्ञान जहां से मिल रहा है ले लो, ले लो, और आप ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाए हैं और तुम्हारे भी अच्छे मार्क्स दिलवाए जाएंगे, दिन रात लगे हुए हैं। अब ये नया पेपर आया है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्रिपरेशन के लेवल को और बढ़ाने वाले हैं, क्लियर है ना। तो ये कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थी बेटा। अगर मैं बात करता हूँ हैलोल के, हैलोल दो नंबर का रहा है ठीक है, बायोमोलिक्यूल 9 नंबर का रहा है, तो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड सा था, ऐसा फाइनल में नहीं आएगा क्योंकि बातें बहुत उठने लगेंगी, बट हम इन चीज़ों से निकल के अपने प्रिपरेशन का लेवल अप करने वाले हैं ठीक है। यूट्यूब पे डेली वीडियोस अभी आने वाली हैं, पढ़ाई वाली भी और जो आपको जरूरी हैं वो भी, और जो बच्चे सैंपल पेपर में पढ़ना चाहते हैं जस्ट कितने देने हैं 341 फॉर 3 सैंपल पेपर, आई थिंक ये 115 भी नहीं पड़ता है एक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट के 10 सैंपल पेपर विद डिटेल्स डिस्कशन, तो आप कर सकते हो, बट अगेन फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जिसको करना है चाहिए वो लो, जिसको नहीं चाहिए वो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे सब कुछ है और आगे भी मिलता रहेगा ठीक है। चलो ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे मेरे डायमंड क्वेश्चन सीरीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे यूट्यूब के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है, वन शॉट नोट्स वगैरह सब कुछ, और जो बच्चे सैंपल पेपर वाले कोर्स में आना चाहते हैं उनको भी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा ये क्लासेज 1st February से स्टार्ट हो रही है, 1 फरवरी से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, बोले तो आज से, कब क्लास होगी, शाम को 6 PM, जो बच्चा आना चाहे बड़े शौक से आ सकता है। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।